हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इन्फो गवर्नमेंट जॉब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसके ऊपर आपको सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट दी जाएगी, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, दोस्तों उसकी अपडेट दी जाएगी। तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों एएलपीएन टेक्नीशियन के ऊपर एक और यहाँ पर अपडेट लेकर आया हूँ मैं इस वीडियो में आपके सामने। तो दोस्तों कोलकाता जोन का भी आपका शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जैसे कि पटना जोन का, बेंगलोर जोन का, सिलीगुड़ी जोन का, इनका शेड्यूल जैसे ही जारी हुआ था तो अब कोलकाता जोन का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि काफ़ी लड़के बहुत ज़्यादा 7,000 के समथिंग कैंडिडेट पास किए गए थे। तो दोस्तों इसका शेड्यूल भी बहुत ही लंबा कर दिया गया है आरआरबी कोलकाता के द्वारा, और एक साथ ही जारी कर दिया गया है दोस्तों। जैसे कोई जोन है वो पैनल के हिसाब से जारी करता है, आधा पैनल, फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल, ऐसे। तो दोस्तों इन्होंने पूरे पैनल का एक साथ ही शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और दोस्तों ये शेड्यूल है आपका सितंबर तक, यानी कि सितंबर तक आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा इनका। तो मतलब ये अक्टूबर से पहले कोलकाता वाले ज्वाइनिंग नहीं देने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों मेडिकल के लिए आप, ये तो दोस्तों कोलकाता वालों के लिए स्पेशल था। और अब दोस्तों मैं आपको सबके लिए, सब जोनों के लिए बता दूं कि मेडिकल के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस वायरल हुआ है दोस्तों। जो नोटिस आपका जम्मू कश्मीर की वेबसाइट के ऊपर देखा गया है, तो उस नोटिस में क्या क्या दिया गया है वो हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो सभी जोनों के लिए है, देखना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मैंने उस टॉपिक पर पहले भी चर्चा की थी जिस टाइम में आपका CBD 2 भी नहीं हुआ था उस टाइम में। तो दोस्तों वही नोटिस है, आपको अभी फिर से उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और आपको थोड़ी जानकारी उसके बारे में दे देते हैं दोस्तों। तो कोलकाता जोन का शेड्यूल है वो हम देखते हैं सबसे पहले। और आपका दो मौके दिए जाएंगे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कार्य रेलवे ने किया है कि दो मौके आपको पहले ही दे दिया जाएंगे। अगर आप एबसेंट होते हो, मतलब जिस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस डेट को आप किसी कारणवश नहीं पहुँच पाते हो दोस्तों, कारण है वो सही होना चाहिए दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कारण है वो परफेक्ट होना चाहिए, तो आप जो दूसरा मौका दिया गया है उस मौके को आप जा सकते हो। वरना दोस्तों आप वहाँ पर बिना वजह एब्सेंट हो गए तो वहाँ पर भी आपको डांट और फटकार लगाई जाएगी दोस्तों। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपका कर लिया जाएगा, पर दोस्तों बेवजह आपको परेशान होना पड़ेगा। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं अब उनकी लिस्ट की, कोलकाता की और मेडिकल के बारे में। तो दोस्तों ये PDF मैंने RRB कोलकाता की ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड की है दोस्तों। तो आप ऐसे मत समझना कि इसके ऊपर जोन का नाम नहीं दिया गया है, वो आपको नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो दोस्तों इसके अंदर आपका 20 जून से इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हैं, और आपका दो शिफ्टों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एक 8:30 से है तो दूसरा आपका 1 बजे से है दोस्तों। तो ये आपका, इसके अंदर कोई LP का पहले होगा, टेक्नीशियन का पहले होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। टोटल यहाँ पर मिक्सिंग ही जारी की गई है दोस्तों लिस्ट। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये आपका 8 बजे, 8:30 बजे तक इतने कैंडिडेट हैं, मतलब इससे ऊपर वाले। तो टोटली अगर हम देखेंगे तो दोस्तों 40 कैंडिडेट मॉर्निंग में बुला रहे हैं और 40 कैंडिडेट है वो इवनिंग में, मतलब 80 कैंडिडेटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कर रहे हैं एक दिन में दोस्तों। तो 7,000 के समथिंग कैंडिडेट तो देख सकते हो आप, पेज 134 पेजों की ये बड़ी PDF है दोस्तों। तो जैसे ही हम इसे नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हो नीचे आपका जो दो मौके दिए गए हैं वो भी इसके अंदर दिया गया है कि ब्लॉक डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इन्होंने बीच बीच में भी दोस्तों डेट दी है आपकी, और दोस्तों बीच बीच में और दोस्तों लास्ट में भी आपकी डेट दी है। तो मतलब आपका 20 जून से और 20 सितंबर तक इनका मेडिकल होने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। मेडिकल के तो 1-2 दिन और भी इसके आगे लग जाएंगे दोस्तों। तो देख सकते हो हम कि 3 महीने इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोलकाता जोन का चलने वाला है दोस्तों। इसके अंदर आपके हॉलीडे काउंट किए जाएंगे दोस्तों, जैसे कि आपका कोई भी संडे है वो दोस्तों ज़रूर यहाँ पर, जैसे 18 तारीख आपको यहाँ पर ऑफ है तो 18 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो इस हिसाब से इनका ये दोस्तों शेड्यूल है। तो इसके अंदर ब्लॉक डेट की अगर मैं बात करूँ तो ब्लॉक डेट आपकी, एक तो 15 जुलाई को, आप 15 जुलाई से पहले अगर आपका मेडिकल है, यानी 20 जून से आपका 14 जुलाई तक आपका मेडिकल है, तो दोस्तों अगर आप एब्सेंट हो जाते हो तो आप 15 जुलाई को जा सकते हो। और 22 अगस्त तक, अगर 22 अगस्त को है दोस्तों एक, मतलब आप पहले 22 अगस्त से पहले अगर एब्सेंट रहते हो तो आप 22 अगस्त को जा सकते हो। और लास्ट में, अंत में दोस्तों कोई भी यहाँ पर बच गया है जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनको दोस्तों 24 और 23 सितंबर दोनों डेट को वो जा सकते हैं। 8:30 बजे दोस्तों रिपोर्टिंग टाइम होगा उनका, ना कि 1 बजे से। तो ये दोस्तों ज़रूर ध्यान रख लें आप।
दोस्तों आपका एडमिट कार्ड भी आपको वही लेके जाना है, अलग से कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं करेगा रेलवे उसके बारे में, और आपका मेडिकल भी उसके नेक्स्ट डे हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका कोलकाता जोन का टोटली डाटा हो क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर इसमें सिर्फ इन लड़कों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, उसके बाद में दोस्तों ज्वाइनिंग जोन वाइज अपने हिसाब से कोई पहले दिला देगा तो कोई बाद में दिला देगा, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि साथ ही सभी का एक साथ ही ज्वाइनिंग दी जाए, ये दोस्तों ज़रूर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मैं बता दूं, डीवी और मेडिकल में बहुत कम चांसेस हैं कि लड़के बाहर निकलते हैं, बहुत ही कम दोस्तों। और जिनको दोस्तों अगर कोई जॉब नहीं मिलती है तो उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, जैसे ALP के अंदर 1.5 गुना समथिंग हम मान सकते हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि 1.5 गुना ही ALP में पूरे पास हों दोस्तों, क्योंकि SC ST AC कास्ट है और इसमें अक्सर सर्विसमैन है, तो इनका ज़रूरी नहीं कि पूरा आपका 1.5 गुना कैंडिडेट ही मिले हों दोस्तों। हम जनरल और OBC की बात कर सकते हैं, और SC की ST की अगर मेरिट हाई रही है तो इनकी भी हम मान सकते हैं दोस्तों। तो टोटली इसके अंदर जो भी है परफेक्ट डाटा है वो रेलवे के पास ही, हम सिर्फ आपको संभावनाएँ बता सकते हैं दोस्तों। तो ये आपकी एक संभावना है कि इसमें 1.5 गुना कैंडिडेट ALP के हैं, बाकी दोस्तों PCM के हैं 1.5 गुना, और बाकी आपके टेक्नीशियन ITI के हैं। तो ये आपका रेशियो रहने वाला है कोलकाता जोन से। तो अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल के रिगार्डिंग, जो ऑफिशियली नोटिस आया है उसके बारे में। तो दोस्तों ये नोटिस आपका जम्मू कश्मीर की वेबसाइट के ऊपर आया, तो जम्मू कश्मीर की वेबसाइट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी पहले नोटिस आया था, जिसके अंदर ये लिखा था कि आप है वो जब फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे पहले कि आपकी जो भी है योग्यता होनी चाहिए, और आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपका पहले का होना चाहिए, उसके बाद में आप किस कैटेगरी में जाते हो उसका कोई भी मतलब नहीं है। वो भी दोस्तों जम्मू कश्मीर के ऊपर ही डाउन आपका अपलोड हुआ था दोस्तों, ये भी आपका JNK की वेबसाइट के ऊपर ही अपलोड हुआ दोस्तों। तो इसके अंदर आपका पहले तो जम्मू कश्मीर की बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका जम्मू कश्मीर में होगा, और उसके बाद में आपका फिरोजपुर के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो आपका जम्मू कश्मीर से जम्मू तवी से दोस्तों और फिरोजपुर के बीच में आपकी ट्रेन है, ये दोस्तों नंबर दिए गए हैं 19226 जम्मू बठिंडा एक्सप्रेस है, उसके अंदर आपको जाना होगा, और आपको 21:18 पर रात को जम्मू कश्मीर से चलेगी, और दोस्तों सुबह आपकी 7:05 के ऊपर आपका फिरोजपुर पहुंचा देगी दोस्तों। तो उसके रिकॉर्डिंग आप अपना मेडिकल एग्ज़ाम है वो ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। तो मतलब आपका अगर 20 जून को जम्मू से मेडिकल है शाम को, तो दोस्तों आप रात को 9 वाली ट्रेन से निकलो और सुबह 7 बजे फिरोजपुर पहुँचो, और दोस्तों वहाँ पर रिपोर्ट करो मेडिकल के अंदर, तो आपका मेडिकल वो कर लेंगे, चाहे ट्रेन लेट हो चाहे जो भी पहले हो दोस्तों। तो इसमें यह भी बोला गया है कि फिरोजपुर के अंदर आपका टाइम है वो लग सकता है 1 से 2 दिन का, तो उसके लिए आप खुद व्यवस्था करके जाएं जो भी आपको। ये दोस्तों ये जो नोटिस है आपका, ये दोस्तों सभी जोन के कैंडिडेटों के लिए है, ये दोस्तों ज़रूर इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया था। शुगर टेस्ट है वो आपका खाली पेट होता है दोस्तों, नॉर्मली हम आप अगर घर पर भी करवाते हैं तो शुगर टेस्ट है वो खाली पेट का होता है, और दोस्तों आपका बाद में कुछ खा सकते हो आप, मतलब कि अगर आपका पहले शुगर टेस्ट हो जाता है दोस्तों। इसके अंदर तो सिर्फ यही बोला गया है कि A1 कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको दोस्तों 10 घंटे का आपका उपवास रखना है शुगर टेस्ट के लिए दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो, आपको पता होगा नॉर्मली कि आपकी शुगर है वो 80 से 120 तक हो सकती है नॉर्मल, अगर आप दोस्तों खाना खाकर शुगर चेक कराते हो तो यही शुगर, अगर आपकी शुगर है वो 100 है तो दोस्तों वो 80 से 140 नॉर्मल होती है दोस्तों। रेलवे उसको नहीं मानेगा कि आपकी शुगर है वो 150 आ जाए खाना खाने के बाद, तो रेलवे उसे शुगर का मरीज, डायबिटीज़ का मरीज बताकर उसे बाहर भी कर सकता है दोस्तों। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, उस दिन बिल्कुल भी आप खाना ना खाएं, मतलब जब तक आपका शुगर टेस्ट के लिए ब्लड नहीं ले लिया जाए, उसके बाद में दोस्तों आप खाना खा सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपका आई विज़न है वो उससे बाद में होगा टेस्ट, तो आई विज़न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जितना थोड़ा बहुत खाना खा के जाओगे तो आपकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपका शुगर के लिए ब्लड ले लिया जाए उसके बाद में दोस्तों आप अपने पास खाने की व्यवस्था लेके जाएं, जैसे कुछ भी फ्रूट वगैरह है या कोई भी सामग्री लेके जाएं जो आप खा सकें, उसके बाद में दोस्तों आपका आँखों का टेस्ट कराएँ। और दोस्तों एक मेरी एडवाइस है आपके पर्सनली कि पानी है वो पीते रहें दोस्तों, पानी से आपका क्या यूरिन टेस्ट है वो नॉर्मल आएगा, उसके अंदर दोस्तों रोग है क्या रोग है उस रोगों का वो पता लगाते हैं, तो दोस्तों पानी ज़रूर पी के जाइएगा, उससे आपका यूरिन के बारे में पता लग जाएगा कि आपका नॉर्मल है, कोई ज़्यादा बड़ी डिजीज़ है नहीं दोस्तों।
तो आप पानी पीते रहिएगा। खाना आपको शुगर टेस्ट की ब्लड देने के बाद में खाना है ये दोस्तों, ये नहीं है कि आप पूरे दिन में ही भूखे हो और आपने आँखों की जाँच भी है वो भूखे पेट ही कराइए दोस्तों, तो उसके अंदर थोड़ा सा इफेक्ट आपका आई के अंदर पड़ जाता है दोस्तों, कि आप खुल भूखे पेट अगर आँखें चेक कराते हो तो आपका आँखों के अंदर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। ये पर्सनली एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो सारा कुछ आपको क्लियर कर दिया दोस्तों, मेडिकल का आपको एक पार्ट मैंने बना दिया था, तो उसके ऊपर ज़्यादा कुछ आपका रिस्पॉन्स आया नहीं तो दोस्तों, तो देखता हूँ मैं सेकेंड पार्ट बनाता हूँ या नहीं। मेडिकल के विजन सर्टिफिकेट, विजन के बारे में एक पार्ट पूरा मैंने डिटेल्स क्लियर कर दिया था, और सेकेंड पार्ट मैंने बोला था कि आ जाएगा, पर उसके ऊपर ज़्यादा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण दोस्तों शायद ही मैं बना पाऊँ सेकेंड पार्ट, क्योंकि काफ़ी मेडिकल के वीडियो बने हुए हैं, वो आप देख लेते हो तो दोस्तों आपको ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। कोई बात नहीं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में दोस्तों कहाँ पर कितने गुना कितनी कट ऑफ वो जा सकती है उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा इसी चैनल के ऊपर। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो तो दोस्तों बाद में भी कर देंगे हम। जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब करें।